गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा, सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव एडीजी आरक्षी अधीक्षक एवं सारण के जिला समाहर्ता राजेश मीना मृतक के परिवार को सांत्वना दिए। साथ ही मृतक परिवार की हालत बिगड़ी जिला समाहर्ता द्वारा एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। 24 घंटे पुलिस बल तैनात किया गया, उपद्रवियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उक्त मौके पर दर्जनों लोग उपस्थित थे। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। हमारे जो बड़े भाई गुजर गए उन्हीं का मैं छोटा भाई हूँ, उनका नाम अमितेश कुमार सिंह है। और एक हमारे चाचा का लड़का है जिसका नाम है राहुल कुमार सिंह। और एक हमारे चचेरे जैसे घर के बगल के हैं, उनका नाम विकी आलोक सिंह है। और हमारे भाई तो गुजर गए। अब रहा बात वो जो दो रेफर हुए हैं पटना, वहाँ पे पैसा इतना लग रहा है कि उतना पैसा का साधन हमारे लोग के पास नहीं है। वहाँ पर डे मैंने रेगुलेटर पे 1.5 लाख 2 लाख रुपया लग रहे हैं। हम लोग गरीब फैमिली से हैं, कोई ज्यादा अमीर फैमिली से तो है नहीं। तो इस चीज का आपको बस यही ध्यान देना है कि वो बंदा पैसे के लिए मरा नहीं, सब कोई सपोर्ट करे, यही दुआ है आप लोगों से। क्या नाम आपका? अभिषेक कुमार सिंह। क्या नाम आपका? नाम दिलबंधु सिंह। हाँ, ग्राम मुबारकपुर। हाँ, जो बच्ची जो बोल रही थी विगत दिनों, जी ये सुनने में आया है कि लोग ये कुछ मीडिया वाले बोल रहे हैं कि उसको सिखा पढ़ा करके। हम ये कर रहे हैं कि सिखाना पढ़ाना क्या है? हाँ। इतना बुर्बक आदमी हो, पढ़ी लिखी है, बोल रही हम ग्रेजुएशन की है। अगर किसी को शक शुबा है तो आए बात करें, है तो उसके पास उतना विवेक, वो बात करने लायक है, आइए आप भी बात कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो रही है, प्रोपेगेंडा बनाने का कोई कोशिश न करे मीडिया वाला। हम हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आइए, जो भी इंटरव्यू लेना है, जो भी पूछना है आके पूछिए, जो आपका सवाल है हम लोग पूरा पूरा जवाब देने का कोशिश करेंगे। और एक और निवेदन है आप लोगों से, आप लोग हमें लग रहा है कि हम लोगों का सहारा बनने जा रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को प्रिफरेंस मिल रहा है और आगे भी हम सोचेंगे, चाहते हैं कि आप लोगों का ये सहयोग मिलता रहे, किसी और अफवाह के चक्कर में ना पड़े। वो जो लड़का सब रूबम हॉस्पिटल पटना में है, उन लोगों की क्या स्थिति है? स्थिति आलोक तो कुछ हद तक आया है होश में। जो राहुल है, राहुल की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि दुआ करें और सहयोग भी करें, उसका जाति और कोई धर्म के विशेष पे नहीं, मानवता के नाते उसका सहयोग करें। और सहयोग के लायक है और सहयोग जरूरी है, आपके थोड़ा सा सहयोग से वो बच सकता है। तो हम निवेदन करेंगे आप सभी से कि आप लोग सहयोग कीजिए, जो जैसे जो जैसा है जहां से है वो सहयोग करें। पैसा की क्या स्थिति है? पैसे की स्थिति तो नाजुक सी स्थिति है, जैसे तैसे हम लोगों ने कुछ कर्ज लेकर के उसको दिए हैं, काम चल रहा है, लेकिन पर डे बहुत ही ज्यादा खर्चा आ रहा है, उधर से प्रेशर भी है। बचाना है तो आग्रह भी कर रहे हैं, झोली फैला रहे हैं हम लोग, कहीं से कोई व्यवस्था हो इसके लिए हम लोग सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं। अपने लोग जो भी हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है सब लोगों का कि मानवता का साथ दे रहे हैं। मानवता का आप लोग साथ दीजिए, आशा है, विश्वास भी है। थैंक यू। विक्की जो घायल लड़का है वो अभी इलाजरत में है रूबम में, क्या समाचार मिला है वहाँ से? वहाँ से विक्की का पैर का हाथ का ऑपरेशन हुआ है और जब से घटना घटी है नीरज सिंह और मेरा भतीजा रूबन हॉस्पिटल में ही कार्यरत है सब। मैं नीरज सिंह का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। पैसा वगैरह का क्या आपको? पैसा का पोजीशन बहुत बहुत दयनीय पोजीशन है, बहुत बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सिंह। आपका क्या नाम? नवल किशोर। में कठोर कार्रवाई की जा रही है, 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जो लॉ एंड ऑर्डर की भी घटना होगी उसमें भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक ही बात मुझे बतानी है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई पक्की होगी और पुलिस अपना काम कर रही है। साथ ही साथ हम निर्दोष को भी इसमें फंसाना नहीं चाह रहे हैं किसी भी केस में, लेकिन जो दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई होगी और तुरंत ही होगी। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं
और आगे भी जो बाकी है उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें कही जा रही है, क्या जातीय तनाव जैसी स्थिति भी है यहाँ पे? हेलो, क्या है आजकल सोशल मीडिया के कारण तुरंत वीडियोज या कोई जो भी बात अपने रखना चाहता है वायरल हो जाती है, इसलिए बहुत लोगों को एक साथ कोई भी सूचना हो पहुंच जाती है, तो इसके कारण कभी कभी एक तनाव का ये वातावरण बनता है। लेकिन इसमें मेरा अनुरोध सभी से यही है, कोई अभी तनाव आप देख ही रहे हैं उस तरह का नहीं, लेकिन हम प्रिकॉशन के तौर पर हम लोगों ने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की हुई है और सोशल मीडिया पर भी जो गलत सूचनाएं प्रचारित करेंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, उसमें भी प्रशासन लगा हुआ है और मे भी आप देखेंगे एक आध दिन में उसमें भी अरेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए जो तनाव फैलाने का काम कर भी रहे हैं वो ना करें और जो भी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई आने वाले एक दो दिन में आपको देखने को मिलेगी। शुरुआती जांच में क्या बातें सामने आई है? क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा है कि उसे बंधक बनाकर पोल्ट्री फार्म पर ले जाया गया और वहां पर बंधक बनाकर पिटाई की गई, जिसपे आरोप है उसका कहना है कि ये लोग उनके पोल्ट्री फार्म पर आए थे, किसी एक ने फायरिंग की उसके बाद वो फरार हो गया। देखिए उसमें FIR हो चुके हैं, तो FIR के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है और ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन की है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आएगी आपको कलानस कोई उनका अभी पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है, जो महिला की मृत्यु एक हुई है लेकिन वो इस घटना से संबंधित नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर पता चलेगा। लेकिन जो क्राइमा फेसे रिपोर्ट है उसके आधार पर ये क्लियर है कि उससे संबंधित नहीं है। अच्छा, कल जो एक बड़ी भीड़ आ गई थी उनकी पहचान हो पाई है, वो कौन लोग थे और पुलिस की मौजूदगी में ये कैसे लोग आ गए? नहीं, उसमें भी पहचान की जा रही है, ये क्लियर है कि कानून अपना काम करेगा और कानून को, इनफैक्ट मेरा अनुरोध सभी से आपके माध्यम से पहुंच रही होगी बात कि कानून को अपना काम करने दीजिए, पुलिस इसमें कड़ा एक्शन ले रही है और आगे भी यहाँ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कोई इस तरह से अपना कानून हाथ में ना ले। उसमें भी कार्रवाई हुई, आप लोगों को पता भी चला होगा, उसमें भी अरेस्टिंग हो रही है। जो भी बेसिक बात ये है पुलिसिंग की, जो भी अपराध करेगा, जो इलीगल काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। सर घर वालों सर मैन आए हैं उसको भी अरेस्ट किया, उसमें जाएगा और जो जो उनकी बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे, अगर उनको लग रहा है तो भैया आ रहे हैं, लगता नहीं है या कोई और भी उनको उसमें चीजें जोड़नी है तो अपने बयान में दे ही सकते हैं। सर लोगों को पहले फर्स्ट एफआईआर में 5 लोगों को नामित किया गया था, तो उसमें से कुछ पकड़े गए हैं और आगे भी बहुत सारे उसमें कंटिन्यूएशन में 2-3 FIR जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, तो उसमें क्या क्या बात जैसे एक कंक्लूजन पर पुलिस पहुंचेगी तभी आपसे साझा किया जाएगा। कितने लोग घायल हैं उस इस मामले में और क्या उनके इलाज के लिए और क्या कर रहे हैं? इसमें एक तो घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल अभी पटना में इलाजरत है, वहां पर इलाज उनका चल रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।